Hello everyone. So welcome all of you to the class of CA Foundation Economics. चलो तो हमने इसके अंदर ये देखो क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का हमने फॉर्मूला देखा था राइट right? इसके अंदर क्या है फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. जो सबसे पहला था प्राइस इलास्टिसिटी उसके अंदर क्या था प्राइस चेंज और डिमांड के अंदर का चेंज दोनों भी एक ही प्रोडक्ट का देखते थे अपन. और यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे दो रिलेटेड प्रोडक्ट के बीच में देखेंगे. रिलेटेड प्रोडक्ट कौन से थे बच्चों सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव्स राइट या फिर दूसरा पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिंग गुड्स ऐसे दो रिलेटेड गुड्स है. तो यहाँ पे क्या होता है एक गुड्स की प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड चेंज होती है. तो ये हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट्स में देख लिया था. फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं डिटरमिनेंट्स में हमने देखा था क्या इफेक्ट आता है इलास्टिसिटी में हम देख रहे कितना इफेक्ट आता है हाउ मच राइट. सो ये हमने फॉर्मूला वगैरह कल देखा था. इसके अंदर हमने ये भी देख लिया कि नेगेटिव साइन का क्या करना है क्या नहीं राइट. एक बार फॉर्मूला रिपीट करते हैं. फॉर्मूला देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. इसको अगर हम थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो ये बन जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. तो इसके अंदर आप चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन एक्स सॉरी अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई. ये अगर लेके चलेंगे आगे तो देखो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स और ये जो है ये इधर न्यूमरेटर में जाके उल्टा बनेगा प्राइस ऑफ वाई अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई राइट. तो इसी को अगर आपको सीधा सीधा मतलब दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर चेंज दिया होगा ओरिजिनल प्राइस और चेंज प्राइस और चेंज इन प्राइस ओरिजिनल डिमांड और चेंज इन डिमांड तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो. बट ज्यादातर केस में ऐसा होगा नहीं. ज्यादातर केस में आपको ओरिजिनल डिमांड और न्यू डिमांड ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस ये दिया रहेगा. उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यू क्वांटिटी ऑफ एक्स माइनस ओल्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन न्यू प्राइस ऑफ वाई माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स राइट. ये सब हमने कल देखा है. इसके लिए मैं आज अभी इतना डिटेल में नहीं ले रहा हूँ. अगर आपको यहाँ कहीं भी डाउट आ रहा है आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द प्रीवियस वीडियो ओके. इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी हमने यहाँ पे देखा था दो चीजें रहेंगी सिंबल और नंबर यानी कि प्लस माइनस भी रहेगा नंबर भी आएगा 4, 5, 0.2, 0.3, 1, 0, 1.2 राइट. इसके अंदर आपका माइनस साइन भी आ सकता है माइनस फोर. तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि माइनस को अलग से इंटरप्रिट करना है फोर को अलग से इंटरप्रिट करना है. माइनस को इंटरप्रिट करोगे आप किस लिए माइनस या प्लस को यानी कि कोई भी सिंबल को किस लिए इंटरप्रेट करोगे आप ये जानने के लिए कि ये प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर कॉम्पिटिंग है राइट. याद आ रहा है सब. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्पिटिंग गुड्स ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंबल का इस्तेमाल करना है. तो बच्चों अगर प्लस आता है सिंबल इलास्टिसिटी का जो भी आपका आंसर आएगा उसका अगर आंसर पॉजिटिव आता है प्लस आता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिंग सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव्स है राइट. और अगर सिंबल आपका निगेटिव में आता है तो दोस प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो हमने तो मुझे तो ये याद आ रहा है कि माइनस वाला जो होता है वो इन्फीरियर गुड्स होता है और प्लस वाला जो होता है वो नॉर्मल गुड्स होता है यही पढ़ाया था आपने. अरे हाँ ये पढ़ाया था मैंने बट कहाँ पे पढ़ाया था इनकम इलास्टिसिटी के अंदर राइट. अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में टाइप ऑफ गुड्स दो है एक है कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा है कॉम्पिटिंग. वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी के अंदर भी हमने दो टाइप्स देखे थे वो देखे थे हमने इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स. ये सब होने के बाद में अपन एक वो भी एक छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे कि माइनस साइन का करना क्या आपको इलास्टिसिटी के अंदर. तो बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर माइनस साइन इग्नोर करना है. इनकम इलास्टिसिटी के अंदर दो पार्ट बनेंगे निगेटिव रहेगा तो इन्फेरियर पॉजिटिव रहेगा तो नॉर्मल गुड्स. और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर भी दो पार्ट बनेंगे टू टाइप्स ऑफ गुड्स. अगर माइनस साइन आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर प्लस साइन आता है तो कॉम्पिटिंग गुड्स राइट. ये करना है आपको माइनस साइन का. आर यू गेटिंग राइट. चलो और ये तो आपको पता ही है परफेक्टली इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक वगैरह वो तो आप जानते ही हो राइट. वो फिर से आई डोंट थिंक की जरूरत है रिवाइज करने की. और ये माइनस प्लस जो था हमने समझने के लिए क्या किया था सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू और वहां पे जो साइन आता है उसके हिसाब से हमने वो देखा था ताकि हमें वो याद रखने की जरूरत नहीं. और ये हमने लॉजिक भी देखा था. क्या लॉजिक देखा था हमने हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम होती है मतलब सीसॉ है एकदम ऐसे ऐसे चलने वाले दोनों साथ में नहीं जाएंगे बराबर. प्राइस ऊपर गई तो डिमांड नीचे प्राइस नीचे आई तो डिमांड ऊपर. तो इसके लिए क्या होगा एक तो न्यूमरेटर तो भी माइनस होगा या फिर डिनोमिनेटर तो भी माइनस होगा.
तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आपको दिखेगा माइनस साइन, क्या ऐसे लिखा है हमने? यस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल एंड व्हीकल माइनस साइन। आर यू गेटिंग मी? यस, सही आ रहे ना अपन। और कॉम्पीटिंग गुड्स के अंदर साथ साथ में होता है, क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड बढ़ेगी, राइट? तो यहाँ पे प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होती है, राइट? आ रहा है ध्यान में? दोनों भी एक साथ में, प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड नीचे। मतलब एक तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों भी निगेटिव आएंगे। दोनों पॉजिटिव आए तो आंसर पॉजिटिव, दोनों निगेटिव आए तो आंसर, अरे निगेटिव क्यों बोल रहे हो, दोनों निगेटिव आए तो आंसर पॉजिटिव, राइट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव होगा तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, राइट? सो इसके लिए अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कॉम्पिटिंग सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव। गेटिंग मी? चलो, तो हमको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने थे। ये हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे 10, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। इसके अंदर अपने को देखना था कि इलास्टिसिटी कितनी आ रही है, उसके ऊपर से उसका इंटरप्रिटेशन भी करने का था कि परफेक्ट है या रिलेटिव है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, वॉट एवर। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना था कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स, की ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या कॉम्पिटिंग गुड्स है, राइट? चलो फिर, कम ऑन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस आंसर्स। और हाँ, अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया है तो डोंट रिलाय ऑन द गाइडेड आंसर्स। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप वहां पे सॉल्व कर रहे हो, गाइडेड प्रोसेस के अंदर कोई सीखने को नहीं मिलता, कोई गलती नहीं होती, कुछ समझ नहीं आता कि आपने को ये समझा है या नहीं, राइट? तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, अगर ये इफेक्टिव करना है तो प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन अगेन प्ले द वीडियो। तब तक आपको ध्यान में नहीं आएगा कि गलती हो रही है नहीं। मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपका सही ही आने वाला है, देखिए, राइट? चलो, आंसर्स। चलो, ये है पी ऑफ वाई, पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स, राइट? चलो, तो क्या फॉर्मूला देखा था बच्चों हमने? क्यू वन ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स अपॉन पी वन ऑफ वाई माइनस पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ वाई अपॉन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। फॉर्मूला लिखते जाओ, हमेशा याद रहेगा ये। देखो, क्यू वन ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 500 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय पी वन ऑफ वाई इज 20 माइनस 10 इंटू पी ऑफ वाई कितना आ रहा है? पी ऑफ वाई आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 1000, राइट? इज इक्वल टू माइनस 500 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 1000। 10 10 कट कर देंगे, ये दो जीरो कट हो जाएंगे, ये दो जीरो कट हो जाएगी, बचेगा क्या? माइनस 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 0.5, राइट? माइनस 0.5। अभी आपको ये क्या क्या पता करना है इसके ऊपर, पहला क्वेश्चन ये डिटेल में करेंगे, फिर बाद में अपन शॉर्ट में भी करेंगे तो चल जाएगा। माइनस भी आ रहा है एक आंसर, दूसरा पार्ट आ रहा है इसका 0.5। मुझे बताओ 0.5 पे से क्या पता चल रहा है आपको? 0.5 पे से पता चल रहा है कि ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। और ये माइनस सिंबल पे से क्या पता चल रहा है आपको? हमने देखा था माइनस सिंबल यूज करना है आपको टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स माइनस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्पिटिंग? मुझे लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है आपको, डालो कमेंट में, डालो प्लीज, गो एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्या आने वाला है माइनस से, राइट? हमने ऑलरेडी लिखा है नोट्स पे से, एक हाथ पेज पलटा के देखोगे आपको दिख जाएगा, नहीं भी पलटाओगे तो भी समझ आ जाएगा कि ऊपर नीचे कब होता है, एक की प्राइस बढ़ रही है दूसरे की डिमांड कम हो रही है, ऐसा कब होता है? कॉम्पिटिंग में तो नहीं होता ऐसा, कॉम्पिटिंग में तो दोनों साथ में चलते, राइट? चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, चाय की प्राइस कम हो गई तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, दोनों साथ साथ में चलने वाले, तो उल्टा कौन चलने वाला है? उल्टा चलने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री, व्हीकल और पेट्रोल। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, व्हीकल की डिमांड कम, व्हीकल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की डिमांड कम, राइट? दोनों भी उल्टा चलने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके लिए माइनस साइन आ गया, मतलब क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दिस टू आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
ये भी आपको आइडेंटिफाई करने को आता है, टाइप ऑफ गुड्स क्या है ये, राइट? सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आ रहे ध्यान में? चलो ऐसे आगे की करेंगे। चलो नेक्स्ट, चलो पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स। चलो क्यू वन ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स, ये पहले से चालू किया था मैं, थोड़ा 1 मिनट। क्यू वन ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स अपॉन पी वन ऑफ वाई माइनस पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ वाई अपॉन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, क्यू वन ऑफ एक्स 2000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 1000, दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 बाय 1000। क्या आ रहा है, 1000 1000 का 10 10 का आंसर आ गया 1 1 आ गया। मतलब एक तो इसके अंदर पॉजिटिव सिंबल है, दूसरा सिंबल दूसरा है नंबर, दैट इज 1। तो 1 से आपको क्या पता चल रहा है बच्चों, बोलो? 1 से पता चल रहा है यूनिट इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक। और पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अभी, बोलो फटाफट। कॉम्पिटिंग गुड्स, राइट? कॉम्पिटिंग, इसको अगर आपने सब्स्टिट्यूट लिखा है तो भी चलेगा, अगर अल्टरनेटिव लिखा है तो भी चलेगा, वॉट एवर इज द ऑप्शन यू विल सेलेक्ट दैट। ऑल ऑफ द थ्री आंसर आर एग्जैक्टली सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव वन एंड द सेम। चलो थर्ड, कॉपी पेस्ट। चलो पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स। फॉर्मूला नहीं लिखा तो चलेगा ना, देखो 2000 माइनस, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000 अपॉन 5 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 1000। 1000 1000 कट हो जाएगा, माइनस 5 वन जा माइनस 5, ये हो जाएगा 2, ये माइनस 1 आएगा, तो 2 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 1। अगर मैथमेटिक्स का सिंपल रूल पता है तो नॉर्मली डिनोमिनेटर को निगेटिव नहीं रखते, न्यूमरेटर को निगेटिव कर देते, राइट? तो सिंपली डिनोमिनेटर को निगेटिव का पॉजिटिव कर देने का, न्यूमरेटर को पॉजिटिव का निगेटिव कर देने का, ओके? तो माइनस टू आ रहा है, माइनस टू यानी कि माइनस टू बोले तो क्या आ रहा है, ये माइनस पे से आपको पता चलेगा, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, और टू पे से पता चलेगा रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक, राइट? चलो नाउ द फोर्थ वन, चलो पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स। तो ये आता है 500 माइनस 1000 अपॉन 5 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, अरे यही किया है क्या अपन ने? नहीं, बराबर। चलो हाँ, सो यहाँ पे आ रहा है माइनस 500 अपॉन माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 1000, राइट? सो 10 वन जा 10, 10 हंड्रेड जा 1000, ये माइनस 5 वन जा माइनस 5, ये क्या आ रहा है आपका माइनस 100। हाँ ये भी नीचे भी माइनस 1 आ रहा है, ये यहाँ पे ध्यान रखने का, जहाँ पे माइनस है नहीं, एक तो दोनों भी माइनस हटा दो, नहीं तो दोनों भी माइनस माइनस लिखो, तो आएगा माइनस 100 अपॉन माइनस 100। आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस 100 दिख रहा है हमें, माइनस क्यों लिखा आपने, ये तो प्लस 100 है ना, बट बच्चों यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है ना, तो माइनस 1 इंटू 100 माइनस 100, राइट? सो इट विल बी 1, पॉजिटिव 1, तो प्लस 1 मतलब क्या है, प्लस
की वजह से होने वाला है ये कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव, और वन की वजह से बनेगा यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक आ रहा है ध्यान में? श्योर। नेक्स्ट लेंगे फिफ्थ वन, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट खत्म होने वाला है अपना आज, आज में तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का एक सेपरेट बना देंगे अपन, एक्चुअली जरूरत तो नहीं है उसकी बट फिर भी खिचड़ी नहीं करेंगे सिर्फ। ठीक है चलो, 300 माइनस 200 अपॉन 30 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 200 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 इंटू 20 अपॉन 200, तो 20 ये हो जाएगा 100, सॉरी 10, 100 नहीं, ये हो जाएगा 10, ये 10, 100, ये 10, पूरा कट हो जाएगा, 1 आएगा आंसर। राइट, पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, एक तो ये कॉम्पिटिंग है, या मैं जिसको बोल सकता हूँ सब्स्टिट्यूट्स, इसको बोल सकते हैं आप सब्स्टिट्यूट्स भी बोलेंगे, सारे के सारे लिखने चाहिए अपन ने, सब्स्टिट्यूट्स और यूनिट इलास्टिक। राइट, यूनिट इलास्टिक। चलो नेक्स्ट लेंगे सिक्स्थ, ये पांचवा था, ये फोर्थ वन, ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ओके चलो सिक्स्थ वन, चलो सिक्स में ये है पी ऑफ वाई, ये है पी वन ऑफ वाई, ये है क्यू ऑफ एक्स, ये है क्यू वन ऑफ एक्स। सो द आंसर इज 100 माइनस 200 अपॉन 30 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू -100 अपॉन 10 इंटू 20 अपॉन 100। ओके तो 10 वन 10, 10 टू 20, 100 वन 100, ये आएगा -1, तो -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2। इधर कुछ गलत हो गया क्या, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो गया बोलिए। क्या गलत हो गया इसमें? हाँ ये 100 नहीं आएगा, ये 200 आएगा ना, ओरिजिनल क्यू ऑफ एक्स इज 200 नो, तो ये 100 लेने की आदत पड़ गई है अपने को, 100 1000 ऐसे, ये 200 आएगा, यहाँ पे भी 200 आएगा। एक मिनट, ये पहले से करते हैं अपन। हाँ ये आएगा -100 अपॉन 10 इंटू 20 अपॉन 200। राइट, हाँ अभी सही आ रहा है, तो 10 वन 10, 10 टू 20, -100 -1, 200, 2, दो दो भी कट गए, 1 1, तो अल्टीमेटली बचा क्या आपका, का बचता है -1 अपॉन 1, -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1, तो -1 है मतलब सब्स्टिट्यूट से, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, हाँ बराबर कॉम्प्लीमेंट्री है, और 1 है मतलब यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। राइट चल, कुछ हो गया, सिक्स्थ हो गया, अभी नेक्स्ट वी विल सी सेवेंथ वन। ओके सो द सेवेंथ वन, पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू
क्यू ऑफ एक्स क्यू वन ऑफ एक्स कितना आ रहा है ये, 7000 माइनस 5000 अपॉन 70 माइनस 50 इंटू 70, नहीं 50 यही हुआ था पहले भी, इंटू 50 अपॉन क्यू ऑफ एक्स 5000, राइट, इट बिकम्स 2000 अपॉन 20 इंटू 50 अपॉन 5000, राइट। तो ये तीन जीरो कट हो जाएंगे, ये तीन जीरो कट हो जाएंगे, ये जीरो जीरो कट, फाइव फाइव कट, टू टू कट, आंसर आ रहा है वन, करेक्ट। वन आया मतलब क्या, मतलब सब्स्टिट्यूट्स भी होंगे ये, राइट, सब्स्टिट्यूट्स एंड यूनिट इलास्टिक, एंड यूनिट इलास्टिक, करेक्ट। चलो नाउ द एट्थ वन, ये आ गया एट्थ, दिस इज पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स, राइट। चलो क्या आ रहा है आंसर, 3000 माइनस 5000 अपॉन 70 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 5000, राइट, इज इक्वल टू माइनस 2000 आएगा अभी, अपॉन 20 इंटू 50 अपॉन 5000। तो ये तीन जीरो कट, तीन जीरो कट, ये जीरो जीरो कट, फाइव फाइव कट, टू कट, बस यहाँ पे माइनस वन आएगा, तो माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन की वजह से क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, राइट। चेक कर रहे हो ना आप, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, माइनर माइनर भी मिस्टेक्स होंगे तो उसको सीरियस ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली गलती छोटी भी रही बट आंसर अगर चेंज हो जा रहा है तो आंसर मार्क्स नहीं मिलेगी, इसके लिए ये बोलने कोई मतलब नहीं कि छोटी सी गलती है बाकी सब कुछ सही है, एमसीक्यू है, एग्जैक्ट आंसर सही आया तो ही मार्क्स, स्टेप वाइज मार्किंग का कोई यहाँ पे रिलीवेंस नहीं है, तो इसके लिए इंश्योर दैट एवरीथिंग इज राइट, ओके। चलो पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स, सो इट बिकम्स 3000 माइनस 5000 अपॉन 30 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 5000 इक्वल टू माइनस 2000 अपॉन माइनस 20 इंटू 50 अपॉन 5000, तीन तीन जीरो कट हो जाएंगे, 20 ये जीरो कट, 5 5 5 5, और माइनस टू माइनस टू, ये माइनस वन आएगा, यहाँ पे भी माइनस वन आएगा, सो इट विल बिकम माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो इसके लिए आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी पॉजिटिव आया ना, ये सब्स्टिट्यूट आएगा, सब्स्टिट्यूट एंड यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, राइट। चल नाउ द लास्ट वन, हाँ यस, नाउ द लास्ट वन टेंथ, पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स, ये आएगा 7000 माइनस 5000 अपॉन 30 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 5000, सो इट विल बिकम 2000 अपॉन माइनस 20 इंटू 50 अपॉन 5000, ये तीन तीन जीरो कट हो जाएंगे, ये जीरो कट, टू वन जा टू, टू माइनस वन, तो आएगा फाइव माइनस अपॉन माइनस वन,
द आंसर विल बी -5/1 इज इक्वल टू -5। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये रहेगा ना, ये 5 को मल्टीप्लाई करने का रहेगा ना, सॉरी 5/-5 आएगा, तो -5/5 आंसर आएगा -1। -1 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड यूनिट इलास्टिक। तो ये जानबूझ के यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस इसी की करवानी थी कि कॉम्प्लीमेंट्री है सब्स्टिट्यूट। नॉर्मल इलास्टिसिटी तो आपको पता ही है कि यूनिट आएगा, रिलेटिव आएगा, वो तो आपको मालूम ही है। सो बेसिकली वी हैव टू डू प्रॉपर कैलकुलेशंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद द प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने अभी तक सब कुछ देख लिया है, इसके अंदर हमारा मतलब इलास्टिसिटी का सारा पोर्शन हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सो अभी अपना बचा है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का बस एक सिंपल फॉर्मूला है, वो 5-10 मिनट का वीडियो है, वो एक सिंपल देख लो, वो हो जाएगा तो आपका पूरा ये डिमांड, ये जो फर्स्ट यूनिट है द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये खत्म। आप ऐसा मत सोचना कि ये एक यूनिट को इतना ज्यादा टाइम लग गया मतलब पूरा सिलेबस खत्म होने को, तो फिर 2-2.5 साल लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो डिमांड वाला ये जो यूनिट एक तो बेसिक है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में भी लेते हैं, दूसरा ये बहुत बड़ा है एक्चुअल में, बाकी जो चैप्टर से वो इतने बड़े नहीं है, बाकी जो यूनिट्स है वो इतने बड़े नहीं है, वो जल्दी हो जाएंगे कंपेरेटिवली। और वैसे भी जो पूरा का पूरा चैप्टर 2 है, यानी कि डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, ये पूरा मिला के जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। चैप्टर 2 को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले चैप्टर 2 चालू करने का पर्पस भी वो है कि बेसिक है, ध्यान में आता है, समझता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेटर वे कि पहले टाइम दे दो इसको, क्योंकि एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में आती है। तो बाकी सिलेबस तो होने वाला है अपना अच्छे से, कोई टेंशन का काम नहीं है। तो सिर्फ ये चिंता मत करो कि इसको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बाकी का क्या होगा, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। और अभी लकीली आपका ऐसे भी नवंबर में अटेम्प्ट आने ही नहीं वाले, नवंबर दिसंबर वाला, वो जनवरी में आने वाला है, तो वो भी कोई टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा आपको। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।